Sampada and I'm acting in this album. This is my first album in my life, first debut. Hi, my name is Sushik. As a debut song, and this album is my singer, composer. Mr. Rohan, start with you actually. Okay. Sajjan, aap call kyun maar rahe hain? I'm like a business, I do a business, and he's my friend Yusuf. Like, he came to my office and he showed me all this script, and I heard the song and song was very nice, so I thought let's make it. This is my like first song of this industry. But T-Series Punjabi pe aa raha hai, T-Series is associated. Okay. हमें तो पता नहीं था कि टी सीरीज पे जाएगा, बट जब हमने गाना बनाया तो हमारे एक फ्रेंड है हनी रमानी करके, उन्होंने मुझे लाइक सजेस्ट किया कि अपना गाना ये टी सीरीज को दे दो, ज़्यादा लाइक और गाने को वो मिलेगा, वाइब मिलेगा. तो टी सीरीज हम मीटिंग करे, टी सीरीज को हमारा गाना अच्छा लगा, उन्होंने सुना, उन्हें गाना वीडियो हमारा अच्छा लगा, तो वो सेलेक्ट कर लिया हमारे गाने को लाइक अपने बैनर पर रिलीज करने. जो एक्टर्स हैं यहाँ पे उनसे पूछना चाहूँगा, हाउ वाज़ द जर्नी व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. सो बेसिकली दिस इज माई फर्स्ट सॉन्ग एंड ऑब्वियसली आई वॉज नर्वस फॉर द फर्स्ट एंड एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस था, मज़ा भी बहुत आया एंड दैट वाज एन अनदर फीलिंग. To you know, fantastic. Vipul bhai, you are sitting over there. Yeah. तो बताएं आपके बारे में कि किस तरह से आप जुड़े इसके बारे में, आप कुछ add on करना चाहेंगे? मतलब बस ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने गाना बनाना शुरू किया तो मुझे गाने में vibe लगा, पूरा बनाने के बाद फिर हमारे producer हैं रोहन मलिक, उनको गाना जब उनके पास गाना लेके गया तो उनको बहुत पसंद आया, मैंने बोले let's make it, करते हैं गाने पर काम करते हैं, तो वहाँ से फिर शुरू हुआ. आज मैं आ तो प्लीज़ आप कुछ बताइए गाने के बारे में, किस तरह से आप इसके साथ जुड़े, समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ. सो रोहन एंड मी गो वे लॉन्ग बैक, वी बीन वर्किंग टुगेदर फॉर नियरली 10 इयर्स नाउ. ही मेड मी हियर दिस सॉन्ग एंड अगेन जस्ट लाइक ऑल ऑफ दीज गाइज, दिस इज माई फर्स्ट सॉन्ग एंड आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट द सॉन्ग वॉज वेरी कैची, द टीम इज़ वेरी एनर्जेटिक. जब हम फ्लोर पे थे तो they didn't make us feel nervous, like I think everybody was on the same page and it felt like we were just meeting friends. So काफ़ी comfortable experience था, and if I get a chance to work with the same team again I would love to. The song is definitely very good, but जो locations हम लोग देख रहे हैं it is very rich. जब आप किसी एक के पास जाते हैं आप दिखा देंगे इस तरह का हमारे कुछ सफाई तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट आ ही जाता है. लाइक ये बैंड्रा में शूट हुआ था, बैंड्रा के क्लब में, मेरे फ्रेंड का क्लब है. तो मैं जैसे आपको बताया आई एम नॉट इनटू फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, जब मैंने गाना प्लान किया तो मैं सोचा एक क्लब में ही कर लेते हैं, क्लब मेरे फ्रेंड का ही था, मेरे फ्रेंड के क्लब में लाइक हम लोगों ने ये गाना पूरा शूट किया. और लाइक कार्स हम लोगों ने यूज़ किए, लाइक हर गाने में देखते हैं स्पोर्ट्स कार ये वो होती है, तो हमने भी सोचा कि लाइक मेक विद अ स्पोर्ट्स कार एंड ऑल, लाइक थोड़ा गुड वाइब मिले हुए गाने को. ओके, लाइक इफ यू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉन्ग, इट्स लाइक अ कैसीनो जहाँ पर कार्ड्स है, रोहन आके डायमंड्स थ्रो करते हैं, मैं एक पैसे का बैग ओपन करता हूँ. सो इट्स अ वेरी इट शोज दैट देयर आर टू गैंगस्टर्स, रिच गैंगस्टर्स मेकिंग अ वेरी बिग डील, हेंस हैविंग अ नाइस कार वाज अटली इंपॉर्टेंट एट दैट सीन. तो इसके बाद इस गाने के बाद आर देयर एनी प्लान्स, कुछ और है पाइपलाइन में दैट यू गाइस विल बी वर्किंग ऑन टुगेदर, ऐसे कुछ? आप पूरी टीम आ गई, यूसुफ कैन से और देयर आर बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि ऑलरेडी मेरे बन के रेडी है, तो हम लोग आगे इस पर डिस्कस कर लेते हैं, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं. या राइट, तो हम बोल रहे थे कि इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम करते हैं. और जो ऑडियंस है वो कहाँ पे इस गाने को देख सकती है, कैन जस्ट शेयर विद ईच वन ऑफ देम हु आर वाचिंग दिस? यस, आई थिंक यू कैन जस्ट गो टू YouTube, just type Sajniwe and the first song which comes will be our song, so please do have a look, it's a wonderful song. Our wings and all pe explain them now where it's getting put a lot of hard work. Wings you can also subscribe it on Wink Music and another one is Savan. You can also listen this song on that websites. Why title Sajniwe? Ha, Sajniwe actually mere dimag mein gana aaya tha.
तो मैं कार्ट रोड पर चल रहा था, चलते चलते गाना बनाया, तो इसके लिरिक्स में दिमाग में आया। तो लिरिक्स मिलने के बाद जैसे यूसुफ शेख एंड मोइन नज़र जो है हमारे राइटर, हमने दोनों मिल के गाना लिखे, और गाना मिलने के बाद लिरिक्स तो बन गया था, लिरिक्स की म्यूज़िक चाहिए था। उसके बाद फिर सलमान शेख एंड स्वप्न चौहान, ये दोनों जिन्होंने म्यूज़िक दिए, तो वहाँ से जल्दी स्टार्ट हुई। और जब गाना बन गया तो मेजबान भाई को देखा गाना सिखाने के लिए, फिर लाइक मेरा तो रिएक्शन ये था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाना सुन के, लाइक इट्स थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग है, फिर उसके अंदर थोड़ी स्क्रिप्ट लाइक थोड़ी माफिया टाइप स्क्रिप्ट थी, तो मुझे सुन के अच्छा लगा। मैं सोचा क्या लेट्स मेक इट, और उसमें एक छोटा सा कुछ किरदार मैंने भी निभाया हो, तो मुझे स्टोरी सुन के अच्छी लगी, गाने की स्क्रिप्ट अच्छी लगी, गाना सुन के अच्छा लगा। तो मेरा ये फर्स्ट लाइक वीडियो भी था, तो मतलब स्टार्ट करते नहीं से एक्टिंग का कीड़ा है या फिर ऐसे कहते हैं नहीं लाइक एक्टिंग का कीड़ा नहीं है, नहीं आई मीन टू लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि आई मीन टू लाइक इन बिजनेस, बट मेरा दिल था कि शायद मैं कोई गाने को प्रोड्यूस करूँ, फिर नेक्स्ट मैं सोचा था कि मूवी को प्रोड्यूस करूँ। अब मूवी से प्रोड्यूस करने से पहले ये गाना स्टार्ट किया है, लाइक ये एक फर्स्ट स्टेप है इन टू दिस इंडस्ट्री, फिर आप लोग की दुआ होगी तो मूवी भी बना लेंगे या शो अगर चांस मिलेगा तो। ये पहला प्रोजेक्ट खत्म होते ही हमने डिसाइड किया था दैट वील किक ऑफ आर सेकेंड प्रोजेक्ट, सो अलॉन्ग विद द सेम टीम विच वॉज देयर इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट वी हैव अ फ्यू एडिशन, वी हैव स्कारलेट, वी हैव द एंटायर नवाब टीम एंड वी हैव एस आर के ओवर हियर, ऑल ऑफ अस टुगेदर वी आर गोना गेट टुगेदर एंड प्रोड्यूस अनदर वीडियो। यस थोड़ा सा फनी सॉन्ग होगा, थोड़ा सा चोपी होगा, डांस थोड़ा ज़्यादा होगा और थोड़ा सा फास्ट रहेगा, सो एक कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर का सॉन्ग बनेगा। शाहरुख तो बहुत फेमस है टिकटॉक पे, क्या वहाँ पे देखा था उनको आपने कि कैसे किस तरह से जुड़ेगी पूरी टीम एक्चुअली? सो शाहरुख अगेन ही इज बीन अ वेरी क्लोज फ्रेंड, अ वेरी डियर फ्रेंड टू द एंटायर ग्रुप, एंड आई थिंक फर्स्ट सॉन्ग सुनने के बाद शाहरुख हमें हमारे साथ यू नो ही गेव अस अ लॉट ऑफ आइडियाज ऑन हाउ टू मेक द सॉन्ग मोर पॉपुलर एंड मोर बेटर, सो वी थॉट दैट इससे बेटर कौन होगा हमें हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में आने के लिए। आमिर सर आपको कैसा लग रहा है इनके साथ एसोसिएट होकर के, रॉन जी है इनका नया सॉन्ग आया है, आपको नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैंने फर्स्टली जब मेरे को ये गाना आया मैंने देखा वो वीडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड द वे दे डिड दिस सॉन्ग इज फैंटास्टिक, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि पूरा टीम नवाब would help you out in future for everything like thank promotions you. And all everything on TikTok as much as we can do thank and hum log ka jo expectation tha ki we get such kind of songs, so aaj ka generation they demand something like mirch masala types and right. that way so exactly hum log ko yahan pe dikha, so that's the reason we are here with you today and inshallah we are looking forward to work with them in future as well, so team Nawab always by your side. Thank you very much. Kaun ji aapka kya kehna hai? लेकिन अभी ये सेकेंड प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो एज अमिन भाई ने आपको बताया कि स्कारलेट हमारे साथ जुड़ी है जो MTV's की बड़ी फेमस एक्ट्रेस है, एवरीवन नोज आई थिंक, और सेकेंड SRK दिस स्मॉल गाय इज विद अस एंड दिस स्टंट गाय समीर फायर बॉय इज अ वेरी गुड स्टंट गाय, मतलब दिस ऑल पीपल एंड आवर टीम नवाब एवरीबॉडी विल जॉइन फॉर अ सेकेंड वीडियो विद अस। हाँ अभी तक तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दूंगी तो आप लोग ऑलरेडी जान लेगा तो वीडियो कोई देखेगा नहीं, तो जब निकलेगा तो मैं टीजर फर्स्ट आपको भेजूंगी। एक्साइटेड ऑफ कोर्स, नर्वस नहीं, मैं पहले ये कर चुका हूँ एंड म्यूजिक मेरा पैशन है और यू नो टू वर्क विद योर फ्रेंड्स इज द बेस्ट थिंग एवर, so I'm so excited to work finally with Amin and I and the whole team together. Actually I'm nervous in these press conferences. वो सिर्फ phone में कर लेगा, ये सोचो ना ये phone screen है कर लो कुछ।
अच्छा हम लोग टिकटॉक का एक आइडिया देना. टिकटॉक का क्या आइडिया दूँ आपको? आई कांट गिव यू आइडिया. व्हाई? बिकॉज यू आर फैंटास्टिक. एक्चुअली लगा तो नहीं था क्योंकि वो टाइम पास था, एक ऐसी टाइम पास टाइप. अब वो कब पैशन में बदल गया उसको कुछ अब बोल नहीं सकते. अब सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में तो फोर्स रहता ही है घर का, फिर सब हो जाता है. हाँ, अब मेरे घर वाले सीना तान के चलते हैं कि घर वाले डैडी को सब बोलते हैं कि ये एस आर के डैडी है ये. पहले सीन ये था कि मैं था, मेरे डैडी यानी कि मेरे डैडी का नाम है मोहम्मद गौस, तो सब मुझे बोलते थे गौस का लड़का है. अब मेरे डैडी को बोलते सब कि ये एस आर के का बाप है. ग्रेट अचीवमेंट. ये सॉन्ग के बारे में आमिर भाई ने हम लोग को कॉल किया कि टी सीरीज के मंच पे जाना है नॉल, तो सुन के बहुत हमें खुशी हुई. और अभी फिलहाल मैं न्यू जॉइन हुआ हूँ नॉल में, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को नॉल बहुत और आगे आने में कोशिश करे. और ये सॉन्ग जो है मुझे आज मैं सॉन्ग तो देखा नहीं, बैनर देख रहा हूँ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. अट्रैक्टिव सजनी, राइट? सजनी भैया, तो आप लोग सब इस सॉन्ग को देखो और सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर करो, जितना हो सके उतना इसको फैलाओ. फाइनली मिस्टर रोहन, कब फ्लोर पे जाएगा? कुछ ऐसे कुछ प्लान है साथ? हाँ, लाइक प्लान तो सब रेडी है. हमारे मुस्लिम भाई जी ने जिन्होंने मुझे टीम नवाब से लाइक इंट्रोड्यूस करवाया, इनके साथ मेरा पूरा कोऑर्डिनेट चालू है. लाइक एज इट इज ये मीडिया कॉन्फ्रेंस फिनिश हुए, फिर हम एक सेकंड मीटिंग लेके हम हमारा सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके, सो थीम बेसिकली ऐसी कि एक एक कसिनो सॉन्ग है. ओके, तो स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि इसकी स्टोरी बहुत डिफरेंट थी बिकॉज भाई ने स्टोरी लिखी थी इसकी. फिर ऐश्वर्या जिसने एसोसिएट डायरेक्ट किया है गाने को मेरे साथ, उन्होंने स्टोरी को थोड़ा ट्वीक किया था, तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे स्टोरी में. एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए थे शूट करने के टाइम पे बिकॉज बहुत बड़ी स्टोरी थी और उसको 12 घंटे के शिफ्ट में ख़त्म करना इम्पॉसिबल था. फिर भी वी ट्राइड टू यू नो कम्प्लीट इट. एंड बस यही सब थी चीज़ें करने के लिए. सॉरी, माहौल तो बहुत अच्छा था. ओके, तो माहौल तो बहुत बढ़िया था पूरे दिन. ओवरऑल सबके एनर्जी बहुत सही थी एंड कोई भी डाउन नहीं हुआ. मतलब एंड ऑफ द डे सब लोग एनर्जेटिक थे. अमीन भाई ऑल्सो एंड रोहन भाई, यूसुफ भाई, सब लोग पूरे एनर्जेटिक थे पूरे ओवरऑल वीडियो में. एंड या दैट्स इट. सबका आई गेस फर्स्ट टाइम है, राइट? सब लोगों का फर्स्ट टाइम है वीडियो में, तो सबका फर्स्ट टाइम है वीडियो में. या नहीं, इसमें से एक पोर्शन जो रैप के बाद जो पोर्शन था ना, पूरा रैप वाला, वो एक मतलब वो हमने वन टेक लिया था अमीन भाई के साथ. बाकी पूरा बहुत सारे टेक्स हुए थे वीडियो में. किसी ने परेशान नहीं किया? परेशान तो हुए थे, बट कोई नहीं, वो तो होता रहता शूट पे, तो कंपलसरी चीज है. हमने बहुत परेशान किया श्रवण को, बट ही वाज रियली पेशेंट. बहुत कंफर्टेबल फील करा हमें. आई थिंक आई नो वन ऑफ द फ्यू डायरेक्टर्स जो ये इतने नए क्राउड के साथ एक दिन में पूरा गाना पुल ऑफ कर सकते थे. Very few and young director. Yes, sir. आगे मेरे अभी मेरे 7-8 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है जी म्यूजिक के साथ, और अभी टी सी एस के साथ भी कर रहा हूँ, बट वो लाइंड अप है बहुत सारी चीज़ें. बट मैं म्यूजिक वीडियोज ही करना चाहता हूँ मेनली. मेरे को फिल्म्स में और सब में नहीं जाना है. मेरे को मतलब मेरा मेन मोटिव है कि मैं म्यूजिक वीडियोज में ही करूँ आगे करियर. सो वही प्लान है. या एक्ट्रेस के साथ मेरे को तो रफ्तार के साथ करना है एक वीडियो, और अगले साल तो वो पॉसिबल भी हो सकता है अगर मैं मेहनत करूँगा अच्छी तो शायद. या फीमेल में हिमांशी खुराना जो एक पंजाबी की बहुत बड़ी स्टार है, उनके साथ वीडियो करना है. वो भी मेरा एक ड्रीम है छोटा सा, तो वो भी हो जाएगा कंप्लीट अगले साल तक शायद. या थैंक यू.